लोकशक्ति न्यूज नातं विश्वासाचं। या बातमीचे प्रायोजक आहेत आदरणीय प्राचार्य सबीन अख्तर जब्बार इंगळगी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन संचालित साद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चे फ्री ओपीडी चे शुभारंभ इकराम सय्यद यांच्या हस्ते करण्यात आले। या शुभारंभाप्रसंगी मौलाना ताहिर बेग बोलताना म्हणाले, शास्त्री नगर येथील गरीब भागात नागरिकांच्या भलासाठी समाजाच्या हितासाठी फयाज भाई आणि रियाज भाई यांचे जेवढे कौतुक केले तेवढे कमी। या शुभारंभाप्रसंगी मौलाना इब्राहिम कासमी यांनी देखील फयाज भाई आणि रियाज भाई यांचे कौतुक केले। साद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मध्ये ओपीडीची सेवा रोज सकाळी 10 ते 1 वाजता, सायंकाळी 4 ते 7 वाजता या वेळेत असून याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन एमआयएम हदू संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष आणि साद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचे व्हाईस चेअरमन रियाजभाई सय्यद यांनी केले। या शुभारंभाप्रसंगी हाजी अय्यूब कुरेशी, माजी नगरसेविका वाहिदा बंडाले, मौलाना बिलाल अन्सारी, अशफाक बागवान, इस्माईल गुंता, सैपन कुरेशी, सादिक शेख, अयाज शेख, रेहान पल्ले, समज शेख, मुदस्सर मनुरे यांच्यासह रिफा फाउंडेशनचे कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते। पिछले साल 22 जून 2020 को हमने यहाँ पे जब मैदान था, ये अस्पताल नहीं था, तब हमने आयुक्त के सदारत में एक वादा किया था सबसे कि हम सभी लोगों को शास्त्री नगर के प्रभाग 28 के सभी लोगों को हम मुफ्त में ओपीडी देंगे। उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि ये सिर्फ चुनावी बातें हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा, शादी का हॉल बनेगा, कोई बोले कि जिम बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ताकत दी, हमने जो वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी होती है कि उस वादे को हमने पूरा किया। 26 जनवरी को हमने लोगों से कहा कि फ्री ओपीडी जिसको चाहिए वो आके अपना नाम रजिस्टर कराए, तो उस वक्त लोगों ने हम पे इतना भरोसा रखा कि 3,800 फैमिलीज ने हमारे यहाँ पे नाम दर्ज कराया और कहा कि हमें आप पे भरोसा है, आप ओपीडी शुरू करेंगे, हम भी उसके हिस्सेदार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमें ताकत कुवत मिली वो हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे रहबर फारूक भाई शाब्दी, इनकी बदौलत हमें बहुत सी ताकत मिली। उन्होंने हमें जो हौसला अफजाई की, हिम्मत दी, ताकत दी, जिसके बदौलत आज हमने साद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फ्री ओपीडी के ओपनिंग किया था। आज हमें फारूक भाई को बात किए थे तो उनकी तबीयत नासाज रहने की वजह से वो नहीं आए, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, उनको जो भी आफत मुसीबत बलाए हैं उन पर आने वाली वो सभी को टाल दे। तो आने वाले जब 20 अगस्त के बाद जब हम पूरी तरह हॉस्पिटल की ओपनिंग करेंगे तो उस वक्त हमारे सदर हमारे साथ रहेंगे और वो पूरे जोश और खुदाम के साथ हम एमआईएम पक्ष और सभी लोग मिलके इस हॉस्पिटल की ओपनिंग करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि हमने वादा पूरा किया। लोगों ने कहा कि वादे नहीं होते, लेकिन जब तुम दिल से कोई इरादा करते तो अल्लाह ताला आपको ताकत देता है। मैं इतना काबिल तो नहीं था कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल की बुनियाद रख सकूं, इसमें मेरे बड़े भाई फयाज भैया बहुत हाथ लगाए, उन्होंने बहुत सी ताकत कुवत दी मुझे और हमने आज इस हॉस्पिटल को बनाया, लोगों के सामने रखा और फ्री ओपीडी देना शुरू भी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुआ करेंगे मेरे लिए कि हम आप लोगों की खिदमत ऐसे ही करते रहे। हमें जज्बा है, हमें एक जज्बा है कि हम कौम की, हम अपने समाज की कुछ को खिदमत करें, बस यही जज्बे को लेकर हम आज इतना बड़ा फैसला उठाए थे और अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी अता की। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप हमें ऐसे ही दुआओं से नवाजे और हम जब भी जो भी इरादा करते हैं अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता करें। जैसे कि हम मिल्लत मोहल्ले में नर्सरी खोलने का इरादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही उसका भी ओपनिंग हो जाएंगे। और होडगी में हम KG-PG कॉलेज, यूनानी मेडिकल और डी फार्मेसी, जो हम मुस्लिम समाज के लिए, जो हमारा समाज पिछड़ रहा है एजुकेशन के मामले में, आज के
अगर रिजल्ट देखेंगे दसवीं के बाद के तो हमारे बहुत से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सका क्योंकि सीट कंप्लीट हो गई है और हमारे बच्चे उतने परसेंटेज नहीं ले सके। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे कौम आगे बढ़ना है तो खुद के इदारे हो, तो यही मकसद लेके हम दौला भैया बोलो, सलीम बाबा बोलो, मेरे बड़े भाई और हमारे सबसे खास बोले तो हमारे फादर भाई शाब्दी, इनकी सदारत में हम कोशिश करेंगे कि लोगों के फायदे हो सके तालीमी इदारे में, मेडिकल इदारे में और सामाजिक इदारे में। बस यही उम्मीद लेके मैं आपके सामने आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।